जैसा आप सब लोगों को पता है, आप सभी अवगत हैं इस चीज़ से कि स्पेशली लखनपुर से लेकर चढ़वाल तक जो रोड का हाल है, जो नेशनल हाईवे का हाल है, इसको रोड नहीं कहेंगे, इसको हम नेशनल हाईवे कहेंगे, जो कि इंटरस्टेट गाड़ियाँ बाहर से आती हैं, जो टोल देती हैं लखनपुर में, वहाँ से टोल देने के बाद अगला टोल है ठंडी खुई में जाके, ठंडी खुई के पास जो नया टोल लगा है सबको पता है, स्नो टोल प्लाजा, अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर, जो कि गाइडलाइंस हैं NHA1 की गाइडलाइंस हैं कि 60 किलोमीटर के बाद ही टोल जब वो इंस्टॉल किया जाता है। कितनी बेतुकी सी बात लगती है कि आप एंट्री कर रहे हो लखनपुर से, क्योंकि लखनपुर से ऑनवर्ड्स जम्मू की तरफ, उधर की तरफ तो NHA1 जो अथॉरिटी है वो रोड तो बनाएगी नहीं, माधोपुर की तरफ नहीं बनाएगी, पंजाब की तरफ नहीं बनाएगी, तो उसका जो लाइनिंग चार्जेस जो रहते हैं टोल के वो टूवर्ड्स जम्मू रहते हैं। तो आप नोटिस करेंगे इस चीज़ को कि लखनपुर से लेके चढ़वाल तक स्पेसिफिकली रोड की वो हालत है कि बता नहीं सकते, रोड के सेंटर में, रोड के साइड में, रोड के बीचों बीच खड्डों से इतनी बुरी हालत है कि हर 4 किलोमीटर के बाद, 6 किलोमीटर के बाद दुर्घटनाएं जब वो होती हैं, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन। और उसके बाद क्या होता है, मैं आपको एक संवेदनशील बात बताऊंगा। आइका कंपनी है जिसने रोड का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था जो अपनी बन टोल प्लाजा से लेके उधमपुर तक, और कितनी संवेदनशील ये बात है, ये कैसी कैसी कंपनियां जो 2 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट लेके चेंज हो जाती हैं, जो कठुआ में आ गई नई कंपनी, वहाँ उस कंपनी ने उस रोड की मेंटेनेंस से लेके, मेडिकल फैसिलिटीज से लेके, वहाँ पर रोड पे जो मोबाइल वैन घूमती है उसमें उनके 4 एम्प्लॉयज़ जो बैकअप के लिए अगर कोई रोड में एक्सीडेंट होता है तो वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में, पुलिस चौकी में फ़ोन करते हैं और पहली फर्स्ट एड उनको दे के हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं। ये रोड वालों की कंपनी का काम होता है जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है टोल का। तो कितनी असमंजस की बात है कि कठुआ में कोई पूछने वाला ही नहीं है, अंधेर नगरी चौपट राजा, पता ही नहीं है कि कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कौन इस चीज़ को देखेगा, टोल टैक्स की कंपनी को कौन पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ पूछेगी, DC कठुआ पूछेंगे, या जहाँ का कोई कंसर्न नेता पूछेगा, या प्रोविंस लेवल का कोई नेता पूछेगा, या जम्मू में LG सरकार का बैठी कोई उनका कोई कमिश्नर पूछेगा, नेशनल रोड के हाईवे की जो अथॉरिटी है या मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज उनको पूछेगी, यहाँ पर सरकार तो कुछ नहीं हुई है नहीं। तो अल्टीमेटली जो कंपनी है जो टोल कलेक्ट कर रही है, इसको पूछने का दायित्व किसके पास है? आम जनता क्यों भुगते इस चीज़ को? जम्मू कश्मीर पुलिस आके क्यों लाशें उठाए हाईवे के ऊपर से? रोड वाली वो कंपनी जो टोल ले रही है, जिसकी सोलली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस रोड की सेफ्टी, कौन सी अवेयरनेस दे रहे हैं ये टोल कंपनी वाले जो टोल कलेक्ट कर रहे हैं? आज तक कोई रोड सेफ्टी वीक इन्होंने सेलिब्रेट किया? किसी को बताया कि हेलमेट ना पहने हो तो क्या उस पे आपके क्या चार्जेस हो सकते हैं? आप सीट बेल्ट का प्रयोग करें, जगह जगह पे क्या हो, क्या कोई इन्होंने साइन बोर्ड्स लगाए? ये अल्टीमेटली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये कौन तय करेगा? इनको कौन पूछेगा? इन सब बातों का संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। मात्र एक खड्डे ही रोड पे ना दिखें, मात्र हम ये ना देखें कि हमने रोड को ही अपग्रेड करना है, रोड की बाकी अदर एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ कहाँ हैं, ट्रक ले भाई कहाँ है, कहाँ पे कोई ट्रक वाला अपनी गाड़ी जो ज़्यादा लोडेड गाड़ी है कहाँ पार्क करेगा, ये टोल वाले ही डिसाइड करते हैं। रोड की जो सेफ्टी है उसकी जो सुनिश्चितता है ये कौन डिसाइड करता है? ये टोल कंपनी डिसाइड करती है। करोड़ों रुपए का रेवेन्यू ये जनरेट करते हैं 1-2 साल में, लेकिन बात वही आ गई कि संज्ञान कौन ले, इनको पूछे कौन? आज की डेट में ना कोई मालिक है ना कोई माई बाप है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूछना है नहीं पूछना है, इस चीज़ को कौन तय करेगा? एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, आप हटली मोड़ में नेशनल हाईवे की हालत देखें कि हटली मोड़ के पास जो 6-6 फीट पानी का गहरा जो एक तालाब बनता है, जो एक दरिया बनता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कहाँ से जाएंगी गाड़ियाँ? कितनी गाड़ियों के वहाँ पर दुर्घटनाएँ ऑलरेडी हो चुकी हैं? अगर उसी संदर्भ में हम आगे आएँ, जब पानी इकट्ठा होता है तो खरोड़ मोड़ का क्या हाल होता है? खरोड़ मोड़ की आप CTM के आसपास का एरिया देखें, J&K बैंक के पास आप एरिया देखें, जो CTM से क्रॉस करके, चौकी क्रॉस करके जो J&K बैंक का एरिया वो देखें, वहीं पे आप हॉलमार्क होटल के सामने, जम्मू हिल्स के सामने आप देखें कि, तो ये सारी बातों का संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। मात्र रेवेन्यू जनरेट करके NHA1 अथॉरिटी को फंड्स रेज करके देना और आगे इन कंपनियों को टोल टैक्स के ठेके देना, मात्र यही एक काम नहीं बचा है। लोगों का पैसा है, लोग टोल देते हैं, टोल इसलिए देते हैं, कोई भी टोल देने के खिलाफ नहीं है, बजाय इसके गाड़ियों का लोकल टोल जो JK 08 नंबर का, वो यहाँ पे क्यों माफ़ नहीं किया जाता? ये ऐसी कौन सी कंपनी आ गई नहीं कि इसने इस बात को ध्यान में नहीं रखा? JK 21 की सारी गाड़ियाँ सरो टोल प्लाजा से फ्री जाती हैं। ये अगर आप मान के चलें कि मैं टोल प्लाजा से 10 किलोमीटर दूर गाँव बरवाल में रहता हूँ, तो वाई आई एम एलिजिबल टू पे द टोल टैक्स? मैं टोल टैक्स क्यों दूँ? खाली लखनपुर वाले ही नहीं, जो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के सर्कमफ्रेंस में जो लोग रहते हैं वो टोल क्यों पे करें? और उसके बाद पे करने के बाद, चलो फॉर द टाइमिंग हमने टोल पे कर भी दिया, तो रोडों की ये हालत आप लोगों को, आपको मैंने गिने चुने एरिया दिखा दिए ये वाले,
जहाँ पे कम से कम 5 से 6 फीट पानी खड़ा रहता है, उसके बाद आप लखनपुर से लेके चरवाल तक फिजिकली मैं तो देख चुका हूँ, मीडिया बंधुओं को भी मैं बोलता हूँ कि वो भी देखें, वो भी देख चुके हैं कि रोड की हालत क्या है। इस बात का संज्ञान लेना बहुत जरूरी हो चुका है और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ, खास करके कठुआ के डिप्टी कमिश्नर राहुल यादव जी के आगे मैं अपील करता हूँ कि सर इस मुद्दे को देखिए, ये मुद्दा गर्मा रहा है और इसको इस मुद्दे को क्यों फालतू में हवा देके ज़्यादा गर्माना है, क्योंकि ये एक कॉमन मुद्दा बन चुका है। और आज की डेट में अगर हम नेशनल हाईवे का कंसर्न नहीं रखेंगे तो फिर हम सेफ्टी का और रोड सेफ्टी वीक का और वो सेलिब्रेशन करने का उस चीज़ का कोई महत्व नहीं रहता। सर गड्ढों की तो ये बात है कि बहुत ही बुरा हाल है, खासकर जो बाइक वाले हैं, छोटी गाड़ियों वाले हैं, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि उनके चक्र भी लीक हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं हमारे इधर। हम खुद लोगों को PCR वालों को फ़ोन करते हैं या खुद उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो हमारे जम्मू कश्मीर में जब से ड्यूटी बनी है टोल पे टोल लगाए जा रहे हैं और नेशनल हाईवे की आप खुद ही हालत देख लो क्या हालत है। और हम बिना अगर हेलमेट के बाहर निकलते हैं, किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, किसी ने मास्क नहीं पहना, तो उसको चलान पे चलान। और ये खड्डे किसने भरने हैं? हमने भरने हैं। हमसे सिर्फ पैसा लेना है इन गवर्नमेंट ने और कुछ नहीं करना। हमारी जब से ड्यूटी बनी है तब से तो मैं ये कहता हूँ कि कोई सुनने वाला रहा नहीं है। और आप देख सकते हो छोटी गाड़ियों वाले जितने भी हैं, जहाँ तो आए दिन उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं, इधर खड्डे के कारण बचती है, किसी का शाकर टूट रहा है, रिपेयर हद से ज़्यादा महंगी हो रही है और काम कोई नहीं हो रहा, टोल पे टोल। आप देख लो लखनपुर आओ तब टोल, क्या जे के 8 नंबर को उसको भी माफ़ नहीं कर रहे हैं ये लोकल। हम कम से कम हमारा तो टोल छोड़ दो, सांबे वाले में अगर इधर से हम जम्मू जाते हैं हमें वहाँ भी टोल, अगर वैष्णो देवी जाते हैं वन टोल प्लाजा वहाँ पे टोल, वो कितने टोल दोगे हमारे, हमें मार दोगे क्या? ऐसे निचोड़ के रखा इस गवर्नमेंट ने और काम बिल्कुल नहीं है, डेवलपमेंट एक रुपए की नहीं हो रही है, खासकर नेशनल हाईवे पे। हम लोगों ने जो दुकानें वगैरह बनाई हैं वो तोड़ने का ऑर्डर देते हैं, अभी ये तोड़ो हमने और खुला करना है। और यार जो बनाया है इसको तो रिपेयर कर लो, रिपेयर ही कर दो, देखो कितनी बुरी हालत है। ये दुनिया, सारी दुनिया जानती है कि इस वक्त रोड की क्या हालत है और क्या नहीं। जय हिंद जय भारत।